रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? सब लोग ठीक ठाक हैं। इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, और इस एग्जैक्ट सेम चीज से जो है वो मैं $1,000 के ऑर्डर जो है वो ग्रैब कर चुका हूं। तो बेसिकली किस तरह इस चीज के ऊपर जो है वो हम लोग काम करेंगे, और किस तरह से हम लोग जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से एक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी जो है वो बना के देंगे, तो उसको इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एग्जैक्ट बिजनेस की बजाय जो है वो मैं कुछ बेसिकली जो उसी तरह के उनके कंपेटिटर्स हैं या मुख्तलिफ जो इस कैटेगरी के अंदर जो है वो बिजनेसेस फॉल करते हैं, तो उस चीज को मैं लेके चलूंगा। तो बिजनेस नेचर की जो है वो सबसे पहले बात करते हैं। तो इनका बेसिकली बिजनेस जो है वो सोशल इश्यूज रिलेटेड जो कंपेन्स हैं उससे रिलेटेड है। तो सोशल इश्यूज रिलेटेड या बेसिकली जो स्पेशल एड कैटेगरी रिलेटेड बिजनेसेस हैं लाइक रियल एस्टेट, एम्प्लॉयमेंट या क्रेडिट रिलेटेड। तो अगर आप लोग ऑलरेडी इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाईएस्ट अर्निंग बिजनेसेस हैं बेसिकली ये, और इसी तरह पॉलिटिकल कैंपेन्स आल्सो। ये बेसिकली सारे के सारे जो है वो बहुत हाईली पेड बिजनेसेस हैं। तो जब भी ये कैंपेन्स वगैरह जो है वो रन करते हैं तो प्रॉपरली इन्हें कंप्लीट सोशल मीडिया जो है वो स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। तो इसी स्ट्रेटेजी के लिए जो है वो इन्होंने मेरे साथ जो है वो रابطہ किया था। और मजे की चीज ये है कि ये बेसिकली मुझे लिंक्डइन से जो है वो क्लाइंट मिले थे। तो और मैंने ये सारी चीजें लिंक्डइन से क्लाइंट्स वगैरह कैसे ग्रैब जो है वो किए जा सकते हैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस के अंदर शेयर किया हुआ है, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह को। तो डायरेक्टली ये मेरे पास आए थे, तो जो मैं $1,000 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मुझे लिंक्डइन से मिला है, और बगैर कोई कमीशन पे किए जो है वो हम लोग इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मेरे पास बेसिकली जो है ये आए तो इनके कुछ क्वेश्चंस थे जिनके जो है वो मैंने आंसर करने थे। तो मैंने इनको बेसिकली एक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी या सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी बना के देनी थी, लेकिन मैं इसको ओवरऑल लेके चलता हूँ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, और इसके अंदर सारी चीजों को जो है मैं डिस्कस करता हूँ, ऑर्गेनिक को भी और पेड को भी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनका करना था कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है? और कंपेटिटर एनालिसिस से पहले भी मैं बिजनेस नेचर की बात कर दूं। बिजनेस नेचर था इनका बेसिकली स्पेशल एड कैटेगरी ही जो है वो मैं बोलूंगा अभी फिलहाल, ठीक है? और इसको हम लोग लेके चलेंगे सोशल इश्यूज के अंदर, सोशल इश्यूज। तो इससे रिलेटेड इनका बिजनेस था, टारगेट ऑडियंस जो थी, टारगेट लोकेशन वो बेसिकली यूएसए था कंट्री, ठीक है? और बाकी चीजें हम लोगों ने जो है वो फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी हमें कंपेटिटर्स बेसिकली जो है वो बताएं कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं जो इस चीज के ऊपर ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज हमारे पास आ गया कंपेटिटर एनालिसिस। तो सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे पास कंपेटिटर एनालिसिस या फाइंड करने के लिए बेसिकली जो है वो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है। तो मैंने ऑलरेडी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी खोली हुई है, और यहाँ पे एक सोशल इश्यूज रिलेटेड कीवर्ड सर्च किया हुआ, चाइल्ड अब्यूजेस लॉसूट के बारे में। तो यहाँ पे अगर जो है वो देखूँ तो ये मुख्तलिफ मेरे पास जो है वो एड्स और पेजेस वगैरह जो है वो ओपन हो गए हैं। तो इसमें से अब मैंने जो है वो रेलिवेंट निकालने हैं जो कि बेसिकली इस कीवर्ड से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली अगेन मुख्तलिफ किस्म के लॉसूट हैं। तो इसमें अगर आप लोग जो है वो चेक करें तो इसमें मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, लाइक लीज परचेज एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, टीनेट्स और जो रेंटर्स बेसिकली हाउस ओनर्स और रेंटर्स के जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसर रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको जो है वो आप लोग इसके अंदर जो है वो कंसीडर कर सकते हो सोशल इश्यूज के अंदर। इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियां, मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है वो यूज करने से मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां वगैरह होती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो बेसिकली जो है वो इस चीज के अंदर आते हैं। तो इनको एज अ ओवरऑल अगर हम लोग लेके चलें तो क्लास एक्शंस बोला जाता है, और ये जितने भी केसेस हैं क्लास एक्शन लॉ सूट
ठीक है, सूट या स्वीट जो भी है, अगेन मेरी जो है वो इंग्लिश टेस्ट करने नहीं बैठ जानी, ठीक है, जो भी होगा इसको जो है वो, ये बेसिकली सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर जो है वो फॉल करती हैं। तो हम लोग क्लास एक्शन लॉ सूट लिख के भी जो है वो सर्च कर सकते हैं, और मैंने वैसे एक स्पेसिफिक जो है वो लेके चल रहा हूँ, चाइल्ड अब्यूज लॉ सूट, इससे रिलेटेड जो है वो मैं मुख्तलिफ चीजें निकालता। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया ये क्लर्जी अब्यूज लॉ सूट क्लेम्स। तो पहला बिजनेस मेरे पास आ गया जी, क्लर्जी अब्यूज लॉ सूट क्लेम। तो फर्स्ट बिजनेस आ गया मेरे पास। उसके बाद आगे देखते हैं, ये कोई इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, और हाँ ये भी अब पेज है कोई इंस्टाग्राम यूजर, इन्होंने जो है वो किया हुआ है, तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है ये डिस्कशन हो रही है जी, उसके बाद टेक्सास स्कोर कार्ड आ गया, और इन्होंने भी क्या किया हुआ इसी चीज के ऊपर जो है वो एड बनाया हुआ है, तो इनको भी मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आगे अगर देखें, फैमिली जस्टिस रिसोर्स सेंटर, इनको कॉपी कर लिया मैंने। इसी तरह से ये जेफ एंडरसन एंड एसोसिएट्स, ये काफी ज्यादा इस किस्म के जितने भी सोशल इश्यूज हैं इनके एड्स आपको जो है वो नजर आते रहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट ये मेरे पास आ गया है, तो ये अगेन डिफरेंट किस्म के एड्स वगैरह देख सकते हैं। अगेन ये देखें जेफ एंडरसन, बहुत ज्यादा एड्स इनके ये सोशल इश्यूज रिलेटेड जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह और अगर हम लोग देखें सिटीजन अगेंस्ट लॉ सूट अब्यूज, खैर ये मेरे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लोग जो है वो आ चुके हैं, तो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 जो है वो लोग ये कंपेटिटर्स बेसिकली जो है वो निकाल लिए। अब सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने क्या करना होता है, इनके जो है वो एड टाइप्स देखनी है, कौन कौन सी है, एड फॉर्मेट देखना है कौन कौन सा है। इसके अलावा अगर सिंगल इमेज या सिंगल वीडियोस वगैरह हैं तो उनके स्क्रीनशॉट जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। तो अगेन टाइम को देखते हुए मैं सिर्फ जो है वो चीजें आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा, रिपोर्ट आप लोग आगे खुद से बना सकते हैं। तो मेरी तकरीबन 20 पेजेस की जो है वो रिपोर्ट बनी थी जब मैं इस चीज के ऊपर जो है वो काम कर रहा था। तो अब यहाँ पे अगर जो है वो हम लोग देखें, तो सबसे पहले ये FB.me आ रहा है, और साइन अप इसका क्या मतलब है कि ये फेसबुक लीड जनरेशन कंपेन है। तो अगेन इस चीज को समझने के लिए पहले आप लोगों को फेसबुक एड्स का जो है वो पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली फेसबुक लीड जनरेशन कंपेन के लिए जो है वो कंपेन चल रही है, और अगर इस पे हम लोग बात करें तो ये मेरे ख्याल से वेबसाइट लीड जनरेशन के लिए होगी। तो साइन अप बटन पर क्लिक करके हम लोग जो है वो देख सकते हैं। तो भी टाइप्स जो है वो मेरे पास, या टाइप्स की जगह ऑब्जेक्टिव कर लें अगर हम लोग, एड ऑब्जेक्टिव, एक तो फेसबुक लीड जनरेशन चल रहा है, कन्वर्जन लीड चल रहा है, उसके बाद अगर और मजीद देखें तो अगेन T.me आ रहा है लर्न मोर, उसके अलावा लर्न मोर ट्रैफिक कंपेन्स भी कुछ जो है वो चल रही हैं, और मोस्टली जो है वो ये डिफरेंट कंपेन्स वगैरह जो है वो इंगेजमेंट कंपेन्स वगैरह जो है वो चल रही हैं। इनके बारे में मजीद अगर आप लोगों ने देखना हो तो सी समरी डिटेल्स के ऊपर जो है वो जा सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मजीद ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे, जिनको आगे अभी मजीद जो है वो मैं डिस्कस जो है वो करने जा रहा हूँ। अच्छा खैर, तो हमारे पास जो है वो ये बेसिकली आ गई, और इसके अलावा हमारे पास चल रही हैं जी इंगेजमेंट कंपेन्स। तो ये अगेन आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये इंगेजमेंट कंपेन है या सिंपल है, उसके लिए आपको पहले फेसबुक एड्स का जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेट्स की अगर जो है वो मैं बात करूं, तो मोस्टली मेरे पास जो है वो
सिंगल इमेजेस आ रही हैं और वीडियोस आ रही हैं। लाइक ये वीडियो ऐड है, सिंगल इमेज ऐड आ रही है, इसके अलावा सिंगल इमेज ऐड, सिंगल इमेज वीडियो ऐड आ गया, सिंगल इमेज वीडियो। तो अगर अब इनकी जो है वो फॉर्मेट्स की बात करूं तो सिंगल इमेज चल रही है और सिंगल वीडियो ऐड जो है वो चल रहा है। ठीक है, कैरोसेल्स वगैरह भी हम लोग जो है वो देख सकते हैं अगर हमें कहीं से जो है वो मिलता है। अव्वल तो यहाँ पे कहीं पे भी कैरोसेल इमेज नहीं है, ये कैरोसेल है। ठीक है, और इसके अलावा बस मोस्टली वीडियोस और सिंगल इमेज एड्स ही जो है वो हमारे पास जो है वो चल रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो इनका मुझे आइडिया मिल गया। अब उसके बाद जो है वो अगर हम लोग एड कॉपी इनकी देखनी चाहें तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो 3 लाइंस के अंदर एड कॉपी जो है वो लिखी हुई है, ये भी सेम वही एड कॉपी जो है वो यूज हो रही है। इसके अलावा ये थोड़ी सी लॉन्ग एड कॉपी है, ये काफी ज्यादा लॉन्ग है। इसके अलावा ये शॉर्ट कॉपी है, गेन शॉर्ट कॉपी यूज हुई है, शॉर्ट कॉपी, शॉर्ट कॉपी। तो मोस्टली जो है वो इन्होंने क्या किया हुआ है, शॉर्ट कॉपी 4 से 5 लाइंस के दरमियान में जो है वो ये एड कॉपी यूज हुई है। तो अगेन अगर हम मैं यहाँ पे एड कॉपी की बात करूँ, शॉर्ट एड कॉपी और सैंपल, सैंपल आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक सैंपल 1 सैंपल 2 करके यहाँ पे आप लोगों ने कॉपी कर देना। इसी तरह एड फॉर्मेट्स जो है, सिंगल इमेज के 2-3 जो है वो आप लोग स्क्रीनशॉट लगाएंगे, सिंगल वीडियो के 2-3 स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करने हैं। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है। उसके बाद आगे नेक्स्ट अब जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज और बेसिकली गोल्ड माइन जिसको जो है वो मैं बोलूंगा, जो आप लोगों को जो है वो यहां से मिलेगा। ठीक है, तो गोल्ड माइन जो है वो बेसिकली क्या है, अक्सर अब जो है वो क्लाइंट आपसे पूछते हैं हमें इसका बजट क्या रखना है। ठीक है, एस्टिमेटेड ऑडियंस हमारी जो है वो कौन सी होगी, और रीच या इम्प्रेशन या इस तरीके से जितनी भी जो है वो चीजें होंगी, तो ये हमें थोड़ा सा जो है वो गाइड करे। तो आपको यहाँ पे अक्सर एड्स के ऊपर ये एस्टिमेट्स मिल जाएंगे। लाइक इस एड की अगर मैं बात करूं, एस्टिमेटेड ऑडियंस मोर देन 1 मिलियन आ रही है, एस्टिमेटेड अमाउंट लेस देन 100 अमाउंट स्पेंड जो उन्होंने किया है, इम्प्रेशन जो आ रहे हैं 1K से 2K जो है वो आ रहे हैं, इसी तरह ये है। तो ये मुख्तलिफ चीजें हमारे पास ऑलरेडी जो है वो आ रही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सी समरी पे जाके मजीद चीजें देख सकते हैं। तो ये देखें, हु वाज शोन दीज एड्स, अगर इस पे आए तो वुमेन और मैन ये बेसिकली आ रहे हैं। ब्लू में जो है वो मैन है, मोस्टली मैन जो है वो एड्स देख रहे थे और कुछ फीमेल्स एड देख रही हैं। अमाउंट स्पेंट, अब यहाँ पे जो है वो 50,000 से 60,000 USD खर्च किया गया है। तो जिस तरह मैं शुरू में जो है वो बोल रहा था कि ये जो स्पेशल एड कैटेगरीज हैं नॉर्मली और स्पेशली सोशल इश्यूज रिलेटेड या पॉलिटिकल कंपेन्स जितनी भी होती हैं, तो ये बिग बजट कंपेन्स होती हैं। तो आपको अगर ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए या ऑडिट करने के लिए, कंपेटिटिव एनालिसिस वगैरह के लिए, $1,000 बहुत छोटी सी अमाउंट है, आसानी के साथ आप लोग जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो इस के ऊपर बेसिकली 50,000 से 60,000 इन्होंने खर्च किया है। इम्प्रेशन जो थे more than 1 million थे। ठीक है, उसके अलावा अब ये मुख्तलिफ एड्स जो इन्होंने मुख्तलिफ वेरिएशन वगैरह जो ट्राई की हुई हैं वो आ रही हैं। अब किस एड के ऊपर कितने पैसे जो है वो खर्च हुए हैं, जस्ट एग्जाम्पल ये है, ये चला था 6 दिसंबर से 10 दिसंबर और प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर चला। कैटेगरी ये जो बेसिकली स्पीकर साइन आ रहा है, तो ये सोशल इश्यूज इलेक्शन या पॉलिटिक्स के लिए होता है। एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज 1 मिलियन, अमाउंट स्पेंड जो है वो $100 से तकरीबन $200 इस पर खर्च हुआ है और इसके इंप्रेशन ये थे। इसी तरह सेकंड इसकी जो वेरिएशन थी उसके ऊपर कितनी चीजें खर्च हुई, थर्ड के ऊपर, फोर्थ के ऊपर, यहाँ पे $200 से $300 इन्होंने खर्च किया, $100 से $200 खर्च किया हुआ है। इनके ऊपर ज्यादा अमाउंट स्पेंड जो है वो सॉरी less than 100, less than 100, less than 100, यहाँ पे अब 600 से 700 इसके ऊपर जो है वो इन्होंने खर्च किया हुआ है। ठीक है, 200 से 300 खर्च किया है, 300 से 400 खर्च जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि बेसिकली किस चीज के ऊपर या किस एड के ऊपर जो है वो ज्यादा पैसे वगैरह जो है वो इन्होंने खर्च जो है वो किए हुए हैं। तो ये बेसिकली एक इसके अंदर जो है वो गोल्ड माइन है, जो कि अभी जो है वो ये आपको स्पेशल एड कैटेगरीज के अंदर जो है वो चीजें मिल जाएंगी, जो कि बाकी के अंदर जो है वो आपको पहले जो है वो
नहीं मिल रही होती थी। तो यहां से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी चीज जो है वो किस तरीके से जो है वो आपके पास जो है वो आ रही होगी। अब ये सारी चीजें आपके पास एस्टिमेट्स आ गए, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अभी एस्टिमेट्स जो है वो निकाल लेने हैं। तो इसका जो था हमारे पास जो एस्टिमेटेड बजट आ रहा था, ये इन्होंने तकरीबन लगाया 50,000 से 60,000 USD, 50K to 60K। अगेन USD है क्योंकि डॉलर साइन और काफी चीजों के साथ आ रहा होता है, तो इसलिए आपने ये साथ जो है वो मेंशन करना है। एस्टिमेटेड ऑडियंस जो है वो मोर देन 1 मिलियन है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जो है वो आपके पास जब निकल आई, कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो कंपेटिटर्स मुख्तलिफ जो है वो आपने निकाल लिया, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट्स एड कॉपीज और ये चीजें। उसके बाद अब आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बना के देनी है। सो जस्ट एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनिक की हम लोग बात करें तो आपने ये इन पेजेस के ऊपर जाना है, वन बाय वन सब पेजेस के ऊपर जो है वो जाएंगे और वहां पे जाके जो है वो आप देखेंगे कि इनकी पोस्टिंग का क्राइटेरिया क्या है, कब कब जो है वो पोस्टिंग जो है वो हो रही है। तो किसी एक पेज के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे उसको चीजों को जो है वो चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं या किस तरीके से हम लोग जो है वो काम करेंगे। तो ये फर्स्ट पेज के ऊपर मैं आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जी, 23 फेब को जो है वो एक पोस्ट हुई, उसके बाद 3 दिन पहले जो है वो एक पोस्ट हुई है, 4 दिन पहले एक पोस्ट हुई है, 5 दिन पहले एक पोस्ट जो है वो हुई है, 5 दिन पहले ये एक पोस्ट हुई है, 6 दिन पहले पोस्ट हुई है, 16 तारीख को जो है वो एक पोस्ट हुई है, 15 को पोस्ट हुई है, 15 तारीख को। तो अब ये बेसिकली यहां से हमें जो है वो इनका पोस्टिंग क्राइटेरिया, ऑर्गेनिक क्राइटेरिया भी जो है वो पता चल गया। तकरीबन डेली की एक पोस्टिंग ऑन एवरेज जो है वो हो रही है, ज्यादा भी जो है वो हो रही है लेकिन डेली की तकरीबन एक पोस्ट जो है वो डेली की कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले ये डेड था तकरीबन, ये देखें 29 नवंबर, फिर ये 13 दिसंबर को जो है वो हुआ है, फिर 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर। तो जैसे बेसिकली कोई ये इस तरह के कोई वाकया वगैरह जो है वो होता है तो ये काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब उसके बाद 13 जनवरी को जो है वो हुआ है, ठीक है। तो ये अगेन मुख्तलिफ चीजें यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्टिंग स्ट्रेटेजी भी जो है वो इनकी निकाल सकते हैं कि ये कब कब और किस तरीके से जो है वो पोस्टिंग कर रहे हैं, कंटेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, इमेजेस कौन कौन सी जो है वो यूज कर रहे हैं, कॉपी कौन सी जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से जो है वो मिल जाती है और यहाँ से आप लोग जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, इसमें टारगेट ऑडियंस जेंडर वगैरह, क्योंकि ये स्पेशल एड कैटेगरी होती है तो हम लोग इनको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज आपने याद रखनी है। जो भी स्पेशल एड कैटेगरी है, ठीक है, और उनको हम लोग जो है वो उसमें एज जेंडर वगैरह को टारगेट नहीं कर सकते। लोकेशन इन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस एड के लिए कैलिफोर्निया चूज की हुई थी, लेकिन आगे जब मजीद हम लोग जो है वो इनके एड्स वगैरह जो है वो देखते हैं अगर, तो मुख्तलिफ और भी लोकेशंस वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो उसके लिए भी अगेन 1 to 1 आप सारे इसमें जो है वो जाते जाएंगे और वहां से आप लोग जो है वो चीजों को देखते जाएंगे। उसके बाद आपने इनकी एड्स कॉपीज जो है वो पढ़नी शुरू करनी है, ठीक है। मोस्टली अब इसके अंदर तकरीबन सारी एक ही एड कॉपी है। अब अगर हम लोग जो है वो यहाँ पे और मजीद एड कॉपीज देखें तो 10-15 एड कॉपीज अगर आप लोग जो है वो यहाँ से पढ़ लेते हैं एक ही जगह से, तो आपको एड कॉपी का आइडिया हो जाता है। तो फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी के, हम लोग ये एड कॉपी यूज करेंगे लाइक जो नॉर्मली दूसरे लोग जो है वो यूज कर रहे हैं, इस किस्म की इमेजेस जो है वो यूज करेंगे उसका जो है वो आइडिया आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस का आइडिया जो है वो उनको प्रोवाइड आप लोग जो है वो कर सकते हैं कि वीडियोस इस किस्म की जो है वो हम लोग यूज करेंगे। और आगे मजीद जितनी भी चीजें हैं, डिस्क्लेमर लाजमी साथ ऐड कर देना है कि ये अगर इस किस्म के बिजनेसेस के लिए स्पेशल एड कैटेगरी के लिए काम कर रहे हैं तो स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर हम लोग जो है वो एज जेंडर टारगेट नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारी इस तरह के इंटरेस्ट बिहेवियर्स वगैरह हमारे पास जो है वो मौजूद है जिनको हम लोग जो है वो टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह जब मजीद आगे स्ट्रेटेजी आप लोग बनाएंगे तो उसमें भी आप लोग लिख सकते हैं कि कौन कौन सी ऑडियंसिस को आप जो है वो टारगेट करेंगे। ब्रॉडर से पहले जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं ब्रॉडर ऑडियंसिस, फिर रिटारगेटिंग लाइक जिसने वीडियो व्यूज आपके पास आ रहे हैं, वेबसाइट विजिटर्स आ रहे होते हैं
उनकी बेस के ऊपर भी आप जो है वो ये चीजें सारी जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉपी जो मैंने सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई थी उसके लिए मैं बेसिकली जो है वो एक स्मॉल छोटा सा कंपटीशन अनाउंस करूंगा अपने एड्स विजर्ड ग्रुप के अंदर। तो जो लोग भी उसको जो है वो क्वालिफाई करेंगे उनको एग्जैक्ट सेम वो कॉपी तकरीबन 20 पेजेस हैं जो मैंने क्लाइंट को डिलीवर की थी। और उसके लिए जिस तरह शुरू में मैंने बताया 1000 जो है वो चार्ज किया था और मैक्सिमम 5 से 6 घंटे का जो है वो काम था जिसके ऊपर वो सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग एग्जैक्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी और जितनी भी चीजें हैं वो अगर किसी को जो है वो चाहिए होंगे तो वो मैं कंपटीशन इंशाल्लाह अनाउंस करूंगा ग्रुप के अंदर। तो जो भी विन करेगा तो वो एड कॉपी जो है वो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इससे रिलेटेड और भी जितने भी आप लोगों के कोई प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो होते हैं या कोई भी चीज आप लोग जो है वो पूछना चाहें तो एड्स विजर्ड की कम्युनिटी के अंदर जो है वो आप लोग आ सकते हैं और वहां पे क्वेश्चंस वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो मैं एज सून एज पॉसिबल जितना भी जल्दी जो है वो हो सका आप लोगों को जो है वो उसका रिप्लाई जो है वो कर दूंगा। आप लोगों ने अगर ऑलरेडी कोई सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मैं जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। तो ये अगेन लिंक है facebook.com/groups/adsvisor। तो आप ये एड्स विजर्ड की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वो जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों का मैं इंशाल्लाह जब उनके रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।